हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और इसमें हम ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं समझना कि क्या हम क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कहा गया है, अ फादर डिजायर्स टू डिस्ट्रीब्यूट रुपीज 51,783 इन बिटवीन हिज टू सन्स हु आर रिस्पेक्टिवली 12 एंड 15 ईयर्स ओल्ड इन सच अ वे दैट द सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल गिव द सेम अमाउंट टू बोथ ऑफ देम व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। हाउ शुड ही डिवाइड द सम? क्या बता रहे हैं भाई? आपके पास टोटल ये प्रिंसिपल है, कितना है? 51,783। ये कह रहे हैं साहब, इसको जो है, दो इसके बेटे हैं, दो सन हैं इसके पास, जिसमें वो इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो एक का नाम रख देते हैं ए और एक का नाम रख देते हैं बी। अब ये है कि भाई किसको कितना दिया जाए, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो हम ये देखेंगे भाई, प्रिंसिपल बना रहे हैं दोनों बच्चों के लिए। तो अगर इसके लिए प्रिंसिपल एक्स है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कितने रुपए दिए हैं इसने, तो इसके लिए क्या होगा? जो बचा 51,783 माइनस एक्स, ये तो हो गया दोनों का प्रिंसिपल। फिर क्या होता है भाई आपके पास? टाइम। टाइम देखिए, ये कह रहे हैं जो आपका सन ए है वो इस टाइम 12 इयर्स का है, और जब वो 18 इयर्स का हो जाएगा तब उसके पास कितने पैसे होंगे पूछ रहे हैं ना। तो क्या कर रहे हैं भाई, 6 साल है इसके पास, और दूसरा वाला सन जो है वो फिलहाल 15 इयर्स का है, और जब वो 18 इयर्स का हो जाएगा, भाई ये तो बात है ना, दोनों के पास जब वो दोनों 18 इयर्स के हों तो उन दोनों को बराबर बराबर पैसे मिल जाए उस टाइम पे। तो यानी कि इसके पास 3 साल हैं 18 इयर्स अटेन करने में। फिर क्या है भाई, देखना, आर रेट जो है 5% रहेगा दोनों में ही। तो पी मिल गया, आर मिल गया, टी मिल गया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम निकाल रहे हैं सबसे पहले अमाउंट फॉर सन ए। सबसे पहले सन ए की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला आप जान दें, ए इक्वल्स टू पी। तो पी कितना है भाई, देखिए, और 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। तो अमाउंट कैलकुलेट करने वाले हैं सन ए के लिए। पी देखिए, इसका पी है एक्स, पी कितना है एक्स। और फिर क्या बता रहे हैं, देखना, 1 प्लस आर अपॉन 100 यानी कि 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। इसके पास कितना टाइम है? 6 ईयर्स का। तो ये हो जाएगा x 105/100 रेज टू द पावर 6। ये है आपका अमाउंट फॉर सन ए। अब इसी तरह चलेंगे और कैलकुलेट करेंगे अमाउंट फॉर सन बी। सेम फॉर्मूला, पी 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू दी पावर एन। अब देखते हैं भाई, देखिए पी देखिए, इसका प्रिंसिपल ये है 51,783 माइनस एक्स, भाई ये इसका प्रिंसिपल है। फिर देखिएगा, 1 प्लस आर कितना है? 5 रेस टू दी पावर एन। इसके पास कितने हैं भाई? एन, 3 साल है इसके पास, तो एन हो गया 3। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 51,783 माइनस एक्स 105/100 रेज टू द पावर 3। ये आपने कैलकुलेट किया है अमाउंट फॉर सन बी। दो लोगों का आपने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई जब वो 18 साल के हों तो उन दोनों के पास बराबर बराबर अमाउंट हो। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अमाउंट फॉर सन ए बराबर है अमाउंट फॉर सन बी के। तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों अमाउंट्स को बराबर बराबर यहां पर रख देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अमाउंट फॉर सन ए कितना है? एक्स 105/100 रेज टू द पावर 6 इक्वल्स टू 51,783 माइनस एक्स 105/100 रेज टू द पावर 3। ये इसका हो गया
ये इसका हो गया, दोनों का आ गया। अब सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहां पर देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, दोनों जगह पर है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इस 3 से और ये 6 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 3 बचेगा यहां पर। तो क्या होगा देखिए, x 105/100 रेज टू द पावर 3, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे ना, हम ये जानते हैं ये जब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और हम ये जानते हैं कि डिवाइड करने के टाइम पे जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो 6 में से 3 गया, 3 बचे सिर्फ, इक्वल्स टू 51783 - x, और यहां कुछ नहीं बचा क्योंकि वो उधर पूरा माइनस हो चुका है। अब क्या करना है भाई आपको, अब ये सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम खोल लें तो 21 हो गया और 20 हो गया, इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना है 21/20 रेस टू दावर 3 इक्वल्स टू 51783 - x, ठीक है ना। यहां तक देखिए, समझिए, आगे चलते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, इसका क्यूब करना है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा देखिए x मल्टीप्लाइड बाय 9261 21 का क्यूब अपॉन 8000 इक्वल्स टू 51783 - x। अब आप क्या करेंगे देखिए, ये जो डिजाइन है पूरा इस तरह से नजर आएगा, अगर मैं दोबारा लिखूं आपके लिए, तो 9261 x कहलाएगा ये, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अपॉन 8000 इक्वल्स टू 51783 - x, कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। अब आप जानते हैं भाई x वाले एक तरफ, जब x वाले एक तरफ करेंगे आप, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9261 x अपॉन 8000 प्लस x, यहाँ माइनस में है ना, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 51783, ये आ गया 51783। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 8000 नीचे आ गया, 9261 x प्लस 8000 x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 51783। इसको देखेंगे 17261 x अपॉन 8000 इक्वल्स टू 51783। अब देखिए बस आप आंसर पर पहुंचने वाले हैं, x निकालना है ना, तो ये देखिए x आ जाएगा, x इक्वल्स टू x चाहिए, इन सबको उधर ले जाएंगे, तो 51783 अपॉन 17261 * 8000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा यहां से, और ये 24 आ जाएगा, तो x जो मिला वो आ गया आपका 24000। तो x का मतलब क्या था, x का मतलब था कि जो आपका सन ए है उसे कितना मिलना चाहिए, तो इसका मतलब हमें पता लग गया सन ए को मिलेंगे 24000, और भाई सन बी को कितने मिलेंगे, तो सन बी को यहां पर मिलेंगे 51783 - 24000, इसका मतलब 27783, कितना मिल जाएगा इसको 27783। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्या कहा गया था कि भाई दो बच्चे हैं जिनके बीच में पैसों को इस तरह डिवाइड करना है कि जब वो दोनों 18 साल के हो जाएं तो उन दोनों को बराबर अमाउंट मिल जाए। पूरा प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको देखिए समझिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ये कहा जा रहा है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी डज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम अमाउंट टू ₹15.25। क्या कह रहे हैं भाई, ऑन वॉट सम ऑफ मनी, सम का मतलब जानते हैं आप, प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल गायब है। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, और फिर कह रहे हैं इनका जो डिफरेंस है ना 3 साल में, यानी कि जो टाइम है आपके पास वो मिल गया भाई 3 ईयर्स का है, वो कितना है 15.25। इसका मतलब सी आई माइनस एस आई, यानी कि दोनों निकालिए और दोनों को माइनस कर लीजिए, तो कह रहे हैं 15.25 होगा, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भाई किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप चले और सिंपल इंटरेस्ट पर गए, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब देखिएगा भाई पी कितना है, पी तो पता ही नहीं है आपको, आर लेकिन पता है, 5% की बात हो रही है, ठीक है ना, और टाइम कितना है भाई 3 ईयर्स का अपॉन 100। इसका मतलब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बना वो बन गया 3p/20, कितना बन गया 3p/20। अब क्या करना है भाई, अब आप जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ,
और हम ही जानते हैं भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सी आई होता है ए माइनस पी, तो उसके लिए ए चाहिए। तो देखो अमाउंट होता है हमारा पी 1 + r/100 रेज टू दी पावर एन। इसमें सेम कहानी है, पी तो गायब है हमारे पास, लेकिन 1 + r, r कितना है 5%, रेज टू दी पावर एन, 3 years की बात चल रही है। इसका मतलब 105/100 रेज टू दी पावर 3, और ये पी आपका ऐसे ही आ गया। फिर देखिए इसको इससे काट लीजिए, तो ये आप करेंगे क्यूब करेंगे 21 का, अभी बिल्कुल हमने क्या था 9261/8000 पी, ये आ रही है वैल्यू ए की, लेकिन हमें ए थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए सी आई। इसका मतलब सी आई हो जाएगा ए माइनस पी, 9261P/8000 माइनस पी। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम तो हो जाएगा 8000, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर देखिए 8000P बन जाएगा ये, और माइनस करके आ जाएगा 1261P, ये आ जाएगा सी आई। तो आपने सी आई और एस आई इस तरह से दोनों को कैलकुलेट कर लिया। अब सिर्फ यहां पर लगाना है इसे कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इतना है, तो पता लग जाएगा पी कितना होगा। आइए देखते हैं, तो क्या कहा जा रहा है, देखिए सी आई माइनस एस आई यानी कि 1261P/8000 माइनस 3P/20 बराबर है 15.25 के। इसका मतलब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं यहां पर जो कि 8000 होगा, तो 1261P तो ऊपर रहेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड करके आ जाएगा 400, और 4 × 3 = 12, 1200P 15.25 आ जाएगा। इसको देखेंगे भाई माइनस हो जाएगा, तो माइनस होकर बन जाएगा ये 61P/8000 इक्वल्स टू 15.25। हमें चाहिए P, तो 15.25 × 8000/61, तो P की वैल्यू देखिए यहां पर आपको मिल जाएगी। क्या करना है हमें, 15.25 × 8000/61, 2000 आ गया आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, इसका मतलब 2000 रुपए की हम बात कर रहे हैं, जिस पे अगर हम सी आई और एस आई कैलकुलेट करेंगे 3 साल के लिए, तो उसका डिफरेंस जो है वो 15.25 रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।